हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12 का जो लेक्चर 9 पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक के यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसी में आज क्या पढ़ेंगे, लेक्चर 9। लेक्चर 9 में क्या पढ़ेंगे, गेंदा की खेती। अगर आपने जितने भी लेक्चर है यूट्यूब पर मेरे वीडियो जो है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सभी को पढ़ लीजिए, तब जाकर आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो है सिलेबस जो है समाप्त होने ही वाला है, तो चलिए अब पढ़ते हैं गेंदा की खेती। और आप सोच रहे होंगे सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो बता दें कि इसमें जो मैंने जितने भी सिलेबस पढ़ाए हैं एक प्रकार से क्रैश कोर्स की तरह है, और जो भी सिलेबस है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए पढ़ते हैं गेंदा की खेती। गेंदा आज पढ़ेंगे लेक्चर 9 में। तो लेक्चर 9 में गेंदा की खेती पढ़ेंगे। गेंदा एक क्या है, गेंदा एक विख्यात पुष्प देने वाला पौधा है। पुष्प देने वाला पौधा है, आप जानते होंगे। वनस्पति का नाम क्या होगा, टैगेटस टैगेट्स SPP SSP है इसका। टैगेटी SPP SSP जो है इसका क्या है, वनस्पति का नाम है टैगेट्स SPP। कुल कंपोजिटी कुल का यह पौधा है। इसकी खेती क्यारियों में तथा गमले में की जाती है। क्यारियों तथा गमले में जो है इसका खेती की जाती है। फूलों का रंग पीला या नारंगी तथा लाल पाया जाता है। फूलों का रंग कैसे कैसे होता है गेंदा का, तो लाल होता है, सॉरी पीला होता है, नारंगी और लाल भी होता है। उपयोग लाल भी होता है। उपयोग प्रयोग प्रयोग जो है मालाएं माला के रूप में, मालाएं हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, गुलदस्ते बटन होल पूजा इत्यादि के लिए किया जाता है। ये सब आप जानते होंगे गेंदा के फूल के प्रयोग के बारे में। मिट्टी किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है इसकी खेती जो है, परंतु दोमट बलुआ दोमट या मटिया दोमट मृदा अति अधिक उत्तम होता है, यानी अति उत्तम होता है यानी ज़्यादा बेहतर होता है। आगे देखते हैं क्या है, आगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी मैंने बताया था, लगभग सबके खेत की तैयारी एक ही होता है। यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, भूमि की गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना देना चाहिए, भुरभुरी बना देना चाहिए। जुताई से पूर्व 150 कुंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। 2-3 बार जुताई कर सकते हैं। और प्रवर्धन विधि कैसे होगा, गेंदे का प्रवर्धन बीज तथा कटिंग द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। गेंदा का प्रबंधन कैसे होता है, बीज द्वारा तथा कटिंग द्वारा प्रबंधन किया जाता है। एक बीज से होगा और कटिंग द्वारा भी हो जाएगा। व्यावसायिक किस्में यानी जो व्यापारिक जो किस्में होते हैं जो बाजार के लिए होता है। अफ्रीकन में क्या क्या होगा, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, अफ्रीकन येलो, जायंट बंडल, जायंट ऑरेंज जो है इसका, अफ्रीकन जो है क्या है इसका किस्म है। फ्रेंच में कौन कौन होगा, पूसा अर्पिता, कपिड येलो, रसिस्टेड रसिड रस्टीरेड, रेड ब्रोकेड, बटर क्वाच। उसके बाद क्या है, उर्वरक क्या क्या होगा, उसके बाद उर्वरक है गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो इसका मेन उर्वरक है। तो ये क्या है, बटर क्वाच। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जितने भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो और भी बेहतर से समझ में आएगा। और नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने नोट्स बनाते चलिएगा, याद करते चलिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है आगे इसका। फूलों की पैकिंग कैसे होगा, तो फूलों को तोड़कर उनकी पैकिंग इस प्रकार करनी चाहिए कि फूलों को कोई क्षति ना पहुँचे। फूलों को पॉलिथीन के लिफाफे टोकरियों या थैलों में पैक करके ही मंडी में भेजना चाहिए, पैक करके ही मंडी में भेजना चाहिए। आप खुद से कमेंट करके बताइए कि समझ में आता है या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, खुद से पढ़िएगा उसके बाद आपको गारंटी समझ में आएगा। रोग क्या होगा, डैम्पिंग ऑफ इसका रोग है। इस रोग के प्रकोप से पौधे गलने शुरू हो जाते हैं, पौधे जो है गलने लगता है, सूख कर गिर जाता है। रोग की रोकथाम हेतु कैप्टन 0.2% के घोल का प्रयोग करना चाहिए। यह क्या है, लीफ स्पॉट। इस रोग में पत्तियों के निचले भाग पर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। रोग की रोकथाम के लिए आगे क्या, रोकथाम हेतु मैनकोजेब युक्त क्या होना चाहिए, फफूंदीनाशक, फफूंदीनाशक 0.2% घोल के घोल को छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना भी लिखेंगे तो चलेगा। कीट क्या है, कीट जो है इसका हियरी कैटरपिलर जो है इसका कीट है। यह भीगे दे की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। क्या होता है ये जो होता है, तो हेयरी कैटरपिलर क्या करता है, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट को रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, नुआन या थायोडान के 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। खास इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लीजिएगा, काम आएगा।
बीफ सॉरी लीफ हॉपर। यह कीड़ा हरे रंग का होता है, यह कीड़ा रंग सॉरी कीड़ा कैसा होता है, हरे रंग का होता है। फूल एवं पत्तियों को काट कर नुकसान पहुंचाता है, फूल एवं पत्तियों को क्या करता है, काट काट के उसका नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम रोगड़ 0.2% या फिर मैंने बोला क्वांटिटी ना लिखेंगे तो चलेगा, कि घोल का हर 15 दिन पर छिड़काव करें, 15 दिन पर छिड़काव करें। ये भी क्या हो गया, क्वांटिटी और डेट जो है यहाँ पर परसेंटेज जो है 0.2%, तो लिख दीजिए और भी बेहतर बेहतर जो है होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।